एआईडीएफ के एक्स एमएलए हुए, आज सुप्रीम कोर्ट में केस था हम लोग जमीयत के पक्ष से, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एमपी धुबरी और महमूद मदनी साहब के गुट की जमीयत की तरफ से हम यहाँ पार्टी हैं, हम यहाँ आए हुए थे। आज जो सुनवाई हुई मैं सबसे पहले महामान्य उच्चतम न्यायालय और प्रतीक हजेला जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 10% और 20% रिवेरिफिकेशन मांग रहे थे इसको रिजेक्ट किया है कि कोई रिवेरिफिकेशन नहीं होगा, जो हो गया वेरिफिकेशन तो बहुत हुआ, इसलिए कि प्रतीक हजेला साहब ने जो रिपोर्ट यहाँ सबमिट की कि जो 36 लाख लोगों ने जो क्लेम किया था उनके क्लेम के टाइम जो हियरिंग हुई, हियरिंग के दौरान उनके पेरेंट्स, उनके भाई ब्रदर, उनके बच्चे, ये सब को भी बुलाया गया है और उनका कागजात चेक करके काम किया गया है। इसी तरह ऑलरेडी 27% लोगों का रिवेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फिर 10% या 20% रिवेरिफिकेशन का करने का कोई मतलब नहीं है। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इल इंटेंशन है, इन लोगों का इंटेंशन यही है कि बांग्लादेशी हिंदू को वो यहाँ रिहेबिलिट करना चाहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये पास कर अब करा के फिर जो हिंदू को जो बांग्लादेश में आज भी है या जो यहाँ आए हुए हैं 71 के बाद उनको यहाँ रिहेबिलिट करना चाहते हैं। इस इंटेंशन को मैं जहां तक समझता हूँ कोर्ट को समझ में आ गई, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, हो गया। हम भी ये चाहते हैं कि एक भी विदेशी बांग्लादेशी का नाम इसके अंदर ना हो, सब भारतीय का नाम हो, लेकिन भारतीय का नाम भी बाहर नहीं होना चाहिए। एक तो इस फैसले को हम स्वागत करते हैं, दूसरा फैसला जो एक्सटेंशन वाला मसला है ये 30 जुलाई को निकलना था इसका, लेकिन एक महीना अभी आसाम में फ्लड है, इस वजह से हजेला साहब ने एक महीना और मांगा है कि 31 अगस्त तक टाइम दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीना का टाइम बढ़ा दिया, 31 अगस्त तक इसको डिले कर दिया, अभी एक महीना के बाद जो है 31 अगस्त तक ये निकलेगा। हम चाहते हैं एक बिल्कुल सही शुद्ध एनआरसी निकले जिसमें एक भी विदेशी का नाम हो, लेकिन इंडियन को जो इंडियन सिटीजन है उसको भी हरास ना किया जाए, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इल इंटेंशन है उसको छोड़ देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए कोऑर्डिनेटर को और इस सिस्टम को, ताकि एक अच्छा एनआरसी बन जाए और आसाम का जो ये लंबा लॉन्ग टाइम का एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सोल्व हो, और आसाम में बसने वाले हिंदू मुसलमान सिख बुद्धिस्ट ईसाई हर कास्ट कम्युनिटी के लोग मिलजुल के रह के आसाम के डेवलपमेंट का काम कर सके, आगे बढ़ा सके, इस मसले को खत्म करना चाहिए। ये बात है, दादा कॉन्टेक्ट नंबर।